गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं भाई। सो अच्छे नहीं होने से भी अच्छा रहना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या है ना कि आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बंगाली डेजर्ट रेसिपी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन एक चीज़ दिखाई थी, एक हांडी दिखाई थी, तो बस उसी हांडी में ही बनने वाला है। और आप लोग भी देखिएगा, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। और क्या है ना कि आज ही मैं एक ब्लॉग एंड की हूँ, मतलब सुबह सुबह ही की हूँ, उसके बाद मैं कोई कंटिन्यू नहीं की थी उस ब्लॉग को, तो वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ पीठा रेसिपी शेयर करूँगी। उसको पीठा बोलते हैं और उसको चितोई पीठा बोलते हैं, और एक होता है नाम साजी पीठा, मतलब जो अप्पे पैन होता है ना, तो अप्पे पैन की तरह ही मिट्टी का बर्तन होता है, तो सेम वैसे ही करके उसमें बनाते हैं। लेकिन मेरे पास वैसे अप्पे का वो मिट्टी वाला तो नहीं है, तो मेरे पास हांडी है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, अभी अगर मैं सब कुछ बता दी तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर चितोई पीठा बनाने के लिए हमें चावल के आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं खरीदा हुआ चावल का आटा ही यूज़ कर रही हूँ। आप घर पर भी बना सकते हैं, घर पर भी बहुत आसान से ही बनता है ये। चावल को भिगा कर रखने के बाद जब ये सूख जाता है तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं 3 कटोरी चावल का आटा ली हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा नमक ली हूँ, मतलब 1 चम्मच के करीब। उसके बाद हम ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, तो ये थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, मतलब हमारे हाथ को ये सहन कर सके, इतना गर्म होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेना है, तो धीरे धीरे करके ही इसमें पानी ऐड करना है, एक बार में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं उस गिलास का लगभग 3 गिलास पानी ऐड कर ली हूँ और इसका एक स्मूथ सा स्लरी बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग देखे ही कि अभी मैं चावल के आटे का एक स्लरी बनाकर तैयार कर ली हूँ, तो उसको अभी मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ी हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो उसको आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे आपकी मर्जी है, आप वैसे रख सकते हैं। तो मुझे अभी बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी हैं घर पे, तो साथ में अभी वो 1-2 खा भी लेंगे, साथ में मैं भी खा लूँगी, क्या है ना, उसके बाद वो अभी चले भी जाएंगे, तो इसलिए उसको मैं अभी रेडी कर ले रही हूँ, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद ही उसका मैं चितोई पीठा बनाऊंगी, या साजी पीठा बोल सकते हैं उसको। तो मैं किस में बनाऊंगी वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, और उसके साथ क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेगा वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही बर्तन है जिसमें मैं पीठा बनाने वाली हूँ। हालांकि बात अलग है कि मुझसे बना नहीं है इसमें, मैं ट्राई की थी 2 से 3 बार लेकिन मुझसे नहीं बना। मुझे पहले से ही डाउट था कि मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, लेकिन सीख नहीं पाई वो बात अलग है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं 1.5 लीटर करीब दूध ली हूँ, और इसको हमें तब तक उबालना है जब तक कि ना ये लगभग 1 लीटर या 1.25 लीटर के करीब हो जाए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हो चुका है, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ी थी, एंड ये क्या है ना, थोड़ा सा थिक हो गया है। क्यों, आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ। थिक होने का यही कारण है क्योंकि हम लोग इसको रेस्ट करने के लिए छोड़े थे, तो ये थोड़ा फूल गया है, मतलब चावल का आटा थोड़ा सा फूल गया है, जैसे सूजी फूलता है वैसे ही ये चावल का आटा। इसमें हल्का सा गर्म पानी हम लोग यूज़ किए थे, मतलब जो गुनगुना पानी होता है, वही रीज़न है कि ये थोड़ा सा फूल गया है। तो अभी इसमें क्या है ना, हम थोड़ा सा पानी और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करने के लिए लगभग 3 गिलास पानी मैं यूज़ की हूँ,
और मैं इस गिलास का यूज़ की हूँ। एंड अभी देख लीजिए ये थोड़ा सा और गुनगुना पानी है, तो इसका मैं देख लीजिए यहाँ पर पानी डाली हूँ एंड ये हाफ गिलास बचा हुआ है, मतलब इसका 1/4 मैं पानी डाली हूँ इस गिलास का। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड ये एकदम परफेक्ट है चितोई पीठा बनने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं तो पहले इसमें ऑयल ग्रेज कर ली हूँ अच्छे से, और ये बहुत ही हीट मतलब बहुत ही हाई फ्लेम में ही बनता है, जैसे मैं देखी थी, मतलब ये मैं यूट्यूब देखकर ही इसको मैं बनाने की कोशिश की हूँ। हालांकि मैं बचपन में देखी हूँ इसे, मतलब दादी को बनाते हुए। तो देख लीजिए अभी इसको मैं ढक दूँगी, लेकिन ये बनता ही नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर और एक बर्तन था, तो इसमें भी मैं सेम प्रोसेस से ही ट्राई की, थोड़ा सा मतलब छोटा बनाई, थोड़ा कम बैटर डाल के, और इसको भी मैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रखी थी, लेकिन देख लीजिए ये मुझसे बना ही नहीं, मतलब नीचे लग जा रहा था और ये पक ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और एंड में मुझे ये अप्पे पैन को ही निकालना पड़ा। मैं इसमें नहीं बनाना चाहती थी, मेरे हस्बैंड का मन था कि इसी में ही बनाऊं, लेकिन क्या है ना कि इसका हालत आप लोग देख सकते हैं कि मतलब पूरा ख़राब हो चुका है, ये बहुत ही इसका हालत ख़राब है, क्या बोलूं मैं। तो देख लीजिए लास्ट में इसी में ही बनता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा मुझसे जल जल ही जाता है, क्योंकि ये बर्तन उतना अच्छा नहीं है। तो क्या है ना कि बन जाता है, बैटर ख़त्म हो जाता है, यही बड़ी बात है। मैं सोच रही थी कि बनेगा ही नहीं, लेकिन फाइनली देख लीजिए कि ये बन जाता है और आसानी से ही ये निकल जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, इसका एक खासियत ये होता है कि ये ना थोड़ा जालीदार बनता है, और इसका वही चीज़ मैं जो मिट्टी के बर्तन में बना रही थी उसमें वो चीज़ बन ही नहीं रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये कैसा जालीदार बनता है, मतलब अगर ये जालीदार बना है तो ही ये परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं सेम प्रोसेस में ही थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के बाद बैटर डाल दी थी, और 5 से 6 मिनट इसको मैं कुक की हूँ, वो भी ढककर, और ये बनकर रेडी हो चुका है। हालांकि थोड़ा सा जल गया है, लेकिन बन गया है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए खासकर। तो देख लीजिए, आपको ये खासियत बता रही थी कि ये जालीदार बनता है, तो हाँ इस बैटर का यही खासियत होता है कि ये जालीदार बनता है, तभी ये परफेक्ट बनकर तैयार होता है, जो कि मुझसे मिट्टी के बर्तन में वो बन ही नहीं रहा था। तो देख लीजिए कि अब इसके बाद हम इसे दूध में डिप करने वाले हैं। तो देख लीजिए मैं दूध को यहाँ पर अच्छे से गर्म कर ली हूँ, ये मैं पहले से ही कर रही थी, वो मैं आप लोग को नहीं दिखाई हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1.5 लीटर करीब दूध ली थी, तो ये 1.25 लीटर लगभग हो ही चुका है, और अब हम इसमें एक एक करके सारे जो साजी पीठा बनाए हैं वो मैं ऐड करते जाऊंगी। तो देख लीजिए सारा बनकर रेडी हो भी चुका है, अब एक एक करके मैं इसमें दूध में डिप करते जाऊंगी। यहाँ पर देख लीजिए कि पीठा डालने के बाद इसे हल्के हाथों से ही चलाना है, बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, और इसका ये काला कलर इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हालांकि ये खाने में बहुत टेस्टी बनने वाला है, मुझे तो पता है, क्योंकि मैं इसमें मिल्क पाउडर जो यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 8 से 10 चम्मच में मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसे हल्के हाथों से ही चलाकर इसे मैं एक सार कर लूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसके बाद कुटी हुई इलायची इसमें डाल दूँगी,
इसके बाद यहाँ पर मैं आधा कटोरी शक्कर ली हूँ, जिसमें से 1/4 ही यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि इसमें पहले से ही मैं मिल्क पाउडर यूज़ की हूँ। तो आप लोग यहाँ पर शक्कर के जगह पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले जो पीठा रेसिपी शेयर की हूँ उसमें मैं गुड़ का ही यूज़ की हूँ, लेकिन आज मैं इसमें शक्कर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरा फेवरेट है ये। मैं जितना रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर की हूँ, लेकिन मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, बहुत। हालांकि मुझसे बनता नहीं है, ये बात तो है। आज मतलब बहुत युद्ध की हूँ उसको बनाने के लिए। तो देख लीजिए कि ये बनके रेडी भी हो चुका है, और ये क्या है ना कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को तो गरम गरम ही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए कि ये एकदम सॉफ्ट बना है और ये बहुत आसान से ही कट हो जा रहा है। तो अभी हम लोग का पीठा बन चुका है। तो आप लोग तो देखे ही कि पीठा बनाते वक्त क्या क्या हुआ है। मतलब मैं सोची थी कि मैं जिस तरीके से बनाऊंगी उस तरीके से हुआ ही नहीं। तो ये भी है ना कि हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है। और सच बात बताऊँ तो ये मेरा पहला, मतलब इसको मैं पहली बार ट्राई की हूँ। इससे पहले मैं कभी भी ट्राई नहीं की हूँ। तो क्या है ना कि उस दिन मैं मार्केट गई थी, तो मैं ये वाला बर्तन देखी, तो मैं सोची कि इसमें तो बनाते हैं। मैं इसको क्या है ना कि खाना बनाने के लिए ही लेकर आई हूँ, लेकिन मैं सोची कि खाना बनाने से पहले मैं इसमें एक बार ये पीठा बनाकर ट्राई करके देखूँगी कि मुझसे बनता है या नहीं। तो आप लोग तो देखे कि मुझसे नहीं बना। क्यों, उसका भी बहुत सारे रीज़न है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई ही है। और वहीं मैं अप्पे पैन में बनाई हूँ, तो मेरा अप्पे पैन तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना है। एंड टेस्ट करके हस्बैंड जी ही बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। एंड खाने में तो ये बहुत अच्छा लगता ही है, उसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब पीठा हो गया, ये सब हो गया ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए, वाह, ये अपने ही धुन में लगे हुए हैं। नाटक देख लीजिए, अब टेस्ट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। नहीं, आप खाइए पहले, तुम खाओ, उसके बाद फिर टकला सारू खाएगा। ये पठान नहीं, ये गठान है, प्यार का गठान। पठान नहीं है, प्यार का गठान है। ये बहुत ही अच्छा है। ओहो हो हो, नाटक ऐसे कर रहे हैं। अच्छा लगता है मेरे को। इसका कैसा टेस्ट आ रहा है बताइए। जस्ट राइट, दस मलाई में पीठा डूबा हुआ अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए हमारा डिनर। तो ये तो पीठा है, आप लोग तो देखे ही, और ये है चटनी। इसके साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है आप लोग समझते जाइएगा। फिर यहाँ पर है ये आलू दम, है ना, ये दोपहर का मैं लंच में बनाई थी आलू दम। और साथ में है ये चितोई पीठा या साचा वाला पीठा इसका। तो ये ना थोड़ा सा जल गया है मेरे से। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अपना दिखा रहे हैं कि ये मैं बनाया हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा आया है, बहुत अच्छा आया है। और क्या है ना, आज कोई रोटी है ना कोई चावल है, तो इसके साथ हम ये आलू दम और साथ में ये चटनी खाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को डिनर करने के बाद मैं और कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि कल मेरा काम बहुत ही ज़्यादा था। मतलब मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ली थी कंटिन्यू। एक तो मुझे एडिटिंग वगैरह ये सब काम तो रहता ही है, अदर भी कुछ कुछ काम थे। मैं रील्स वगैरह ये सब बना रही थी, बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो मैं सोची कि बना ही लेती हूँ। और मूड एक दो दिन से तो ऑफ है, आप लोग वीडियो में देखे ही हैं, तो वो सब तो मैं हमेशा से इग्नोर करती ही हूँ। तो अभी क्या है ना कि ये बर्तन सारे मैं धो लूँगी, और ये सुबह का ही क्लिप है, मैं सुबह को ही धो रही हूँ। तो
मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था कल रात को कि मैं ये सारे बर्तन धोकर ही सोऊं। हालांकि मैं सारे बर्तन हमेशा से धोकर ही सोने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मेरा किचन कंप्लीट हो चुका है और सारा काम कंप्लीट हो गया है। किचन का काम कंप्लीट मतलब सारा काम कंप्लीट मेरे लिए खासकर, और बर्तन ये सब रखे रहते हैं। कभी कभी मैं रख भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ धोती हूँ। कभी कभी जब काम कुछ ज़्यादा ही होता है तो मेरा एक्स्ट्रा काम भी कुछ कुछ होता है जो मैं शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ। और मैं यही बोलूँगी ना कि आप लोग ये पीठा एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये गलती मत करना भाई कि कोई शुरुआत में ही मिट्टी के बर्तन में कभी भी कोशिश ना करे, मैं यही कहूँगी। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।